in Karnataka because the speaker has just come out and said that he's doing his duty and he should not be. He felt hurt that people went to court. ऐसे तो लोग बहुत पहले बार पहले भी इसके पहले भी कोर्ट चले गए. कोर्ट से जाने से कोई किसी की भी गलत नहीं होना जाना चाहिए, इसे मेरा ओपिनियन है. इसके अलावा इतना मैं बोलता हूँ, मैं मेरा ओपिनियन है स्पीकर शुड टेक डिसीजन अर्ली बिकॉज दे हैव ऑल पर्सनली एंड दे हैव सबमिटेड द रेजिग्नेशन. इससे क्या बनता है, स्पीकर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अबाउट द स्पीकर बट आई कैन ओनली एक्सपेक्ट. मैं ये निरीक्षा करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस हो रहा है वो ख़त्म होना जाना चाहिए. और जब इस्तीफा जो लोग खुद आके पर्सनली आके सबमिट किया है, इससे ज़्यादा अभी खींचना ठीक नहीं है. So do you think, do you see a delaying tactic on behalf of the speaker because the court has basically said at this point of time he has said that I am going as per the constitution and as per the rule. At this point of time I don't want to say anything but I can request and appeal to him end this crisis at the earliest, and since they have submitted the resignation in person then there should not be any reason to further drag it.